आइए चलते हैं सुफियाना प्यार मेरा के आखिरी ऑन लोकेशन पर और बात करते हैं कायनात और माधव से। तो हेली, पहला दिन आपका यहाँ पर और आज का आखिरी दिन, बहुत ही प्यारी सी जर्नी रही है आपकी, क्या कहना चाहिए? बहुत लंबी जर्नी नहीं थी, ब्रीफ जर्नी थी, बट इट्स बीन दैट वन हैक ऑफ अ जर्नी आई'ड से। एंड हर एक मोमेंट, हर एक पल बहुत खूबसूरत रहा है। राइट फ्रॉम द स्टार्ट, व्हेन वी स्टार्टेड आवर शूट फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली एंड देन ओवर हियर इन मालवणी, स्पेंडिंग ऑलमोस्ट 8 to 9 months, बड़ा बहुत मज़ेदार जर्नी। ओके, तो ये स्पेस जो आपका है, रूम कितना मिस करेंगे? बहुत मिस करूँगी यार, दिस इज़ द लास्ट डे एंड यूजुअली मेरा रूम ना बहुत भरा भरा सा, एज इन लाइक आई केप्ट लॉट ऑफ थिंग्स इन माय रूम और मैंने बहुत प्यार से बनाया था इस कमरे को। सो जो सेकंड लास्ट डे था, सो आई सॉर्ट ऑफ यू नो गैदर्ड ऑल द थिंग्स और मैं गाड़ी में रखी एंड रखा, घर ले गई एंड देन व्हेन आई टुडे केम इट्स ऑल एम्प्टी, लाइक most of the things are not there and obviously thoda sa khali lag raha hai, but you know it is a ritual keh sakte hain ki jo cheez shuru hoti hai wo kahin na kahin khatam hoti hai, so it's okay, we move on and we take back a lot of memories with us. Okay, room ke alawa set par ya set ke logo mein kya kisko zyada miss karengi aur co-actors की अगर बात करें तो आई थिंक ऑब्वियसली रोज़ सेट पर आना, इंटरेक्ट करना हर किसी के साथ, मस्ती करना, शूट करना यहाँ पर, बीइंग सल्तनत, इट यूज्ड टू बी कायनात ऑल्सो वंस, बट या सो वो सारी चीज़ें ऑब्वियसली मिस करूँगी। इतनी पागलपंथी होती थी सेट पे जिसकी कोई जो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकते। अच्छा, हम देखते थे सीन्स के जो रीडिंग्स के टाइम पर आप अचानक से गाना शुरू कर देती थी और सारे धीरे 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 करके सारे एक एक वो सेंटेंस को कंप्लीट किया करते थे, कि पर्सनली मैंने देखा है। यार इतने सारे मौके मिले ना, मैंने भोजपुरी गाने बजाए हैं सेट पे, मैंने माइक पे लगा के मैंने बहुत ज़ोरों से गाने गाए हैं, बजाए हैं जस्ट फॉर द यूनिट पीपल, बिकॉज यू नो भोजपुरी सॉन्ग्स इज समथिंग जो बड़ा बहुत फन से होते हैं, सो कभी कभी आपको यू नो यू जस्ट वांट टू लाइटन अप द होल एटमॉस्फियर, मस्ती करनी है, तो ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें की हैं। सो ऑब्वियसली ऑल दीज आर मेमोरीज जो हमेशा रहेगी साथ में, बट ऑब्वियसली वी गोइंग टू मिस ऑल दिस फन ऑल्सो। आपने जो भी किरदार निभाया है अब तक आपके फैंस ने, मतलब बहुत लॉयली आपको फॉलो किया है और लॉयली आपको उतना ही प्यार दिया है, बीइंग सल्तनत ऑल्सो एंड बीइंग कायनात ऑल्सो, जो लोगों ने शायद आपसे आपको उस देखा नहीं था एंड दे लव्ड इट, तो क्या अपने फैंस को कहना चाहेंगे? यू नो सबसे पहले तो आई एम सो ग्रेटफुल, सो थैंकफुल फॉर ऑल द लव दैट आई हैव यू नो गैदर्ड इन दीज मंथ्स बीइंग सल्तनत एंड कायनात। थैंक यू सो मच कि इतना प्यार दिया, कभी कभी कोई चीज़ पसंद नहीं आई फिर भी कंप्लेन किया, उसके साथ साथ इतना प्यार दिया, दैट्स रियली मोटिवेटिंग, दैट रियली मीन्स अ लॉट टू मी, सो थैंक यू सो मच। मैं सिर्फ वही कह सकती हूँ एंड मैं ये कह सकती हूँ कि प्लीज़ बरकरार रखें आप अपना प्यार एंड आई ऑलवेज मेक श्योर दैट वट एवर आई चूज नेक्स्ट हैज़ टू बी अ लेवल अप फ्रॉम व्हाट आई डन अर्लियर, सो या कीप द लव कमिंग इन एंड थैंक यू सो मच। तो आखिरी दिन है आज, मुझे काफ़ी इमोशनल सीन्स आज आप लोग शूट करने वाले हैं, उससे पहले तो इस सीन की बात करें तो काफ़ी बार शायद आप जी हाँ, यहाँ पर माधव और उसकी फैमिली आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं, बिकॉज एक तरह से दूर जाना चाहते हैं वहाँ से, बिकॉज माधव को जो फीलिंग्स हैं सल्तनत के लिए, वो चाह रहा है कि चला जाए तो ही बेटर है। दूसरी चीज़ें हैं कि जितना कुछ हुआ है रूपाली वगैरह के साथ में, तो क्रिश के ऊपर कुछ बुरी यादें वगैरह नहीं चाहता, सो ही वॉन्ट्स टू लीव, बट जारून गेट्स हिम बैक कि एक बार मिल के जाना चाहिए तुम्हें, वो मिल रहा है यहाँ पे, फिर निकल माधव की जर्नी हालांकि छोटी थी लेकिन कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत अच्छा था, एक ग्राफ था जो कि मुझे हर कैरेक्टर में मैं
खुद पर्सनली पसंद करता हूँ कि कैरेक्टर की एक जर्नी होनी चाहिए, चाहे वो ग्रेट हो, पॉजिटिव हो, या उसका कुछ बैकड्रॉप हो जिस वजह से वो ऐसा है. तो वो चीज़ मुझे मिली एंड आई एम वेरी हैप्पी कि वो लोगों को पसंद भी आया जिस तरह से हमने पोर्ट्रे किया है. सो आई एम क्वाइट कंटेंट दैट वेंट वेल. काफ़ी मस्तियाँ भी हुई है सेट पर. जैसे हमने हरी से बात की तो उन्होंने भी कहा कि आप लोग तो साथ में बैठ के बहुत ही बातें होती हैं, तो कितने मिस करने वाले हैं इतनी मस्ती. और ऑफ कोर्स यहाँ पर हंसी खुशी काम होता है. बहुत अच्छा प्रोडक्शन हाउस है, बहुत अच्छी टीम है, सिर्फ एक्टर्स ही नहीं, यहाँ की पूरी यूनिट बहुत प्यारी है. और अगर एक्टर्स की बॉन्डिंग कहें तो सबके साथ अच्छी बॉन्डिंग हो गई इतने कम समय में, अच्छे दोस्त बना के जा रहे हैं सब. तो आगे चल के देखो साथ में कहाँ काम करते हैं. विदिन कोई एक चीज़ अगर आपको नोटिस में लाइन होगी ये चीज़ आप मिस करेंगे मिस तो ऑब्वियसली ऐसी टीम जो भले ही वो कैमरा डिपार्टमेंट हो या डायरेक्शन डिपार्टमेंट, सब हंसी खुशी करते हैं काम यहाँ पर. मैंने आज तक यहाँ पे किसी को चीखते चिल्लाते हुए ज़्यादा नहीं देखा है, एक आधी बार तो हर जगह होते, बट इट इज़ अ वेरी हैप्पी सेट, सो आई एम गोइंग टू मिस दैट. जी जो फैंस हैं उन्होंने हमेशा बहुत सपोर्ट किया है, ये माधव को भी बहुत प्यार दिया, सूरज को तो खैर बहुत ज़्यादा ही प्यार दिया, और अभी भी मैं जब कहीं निकलता हूँ या कहीं पर भी फैंस अगर मुझे मिलते हैं, मुझे सूरज के नाम से ही जाना जाता है. तो बहुत सारा प्यार दिया और ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिएगा, और श्योर बहुत जल्द मुझे लगता है कि वापस स्क्रीन पे. आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माइंड, बट अभी कुछ बातें भी चल रही है, लेकिन नथिंग इज कन्फर्म्ड डेट. तो जब कन्फर्म हो जाएगा मैं अनाउंस करूँगा वो चीज़, बट श्योरली बहुत जल्द मिलेंगे.